जय हिंद। आइए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। चूंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 2 वर्ष पूर्व ही एग्रीकल्चर का पाठ्यक्रम शुरुआत किया गया था, चूंकि प्रथम वर्ष में विद्यापीठ प्रशासन ने मेरिट के आधार पर एंट्रेंस लिया था, लेकिन 1 वर्ष पश्चात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एग्रीकल्चर कैंपस ने सन 2020 में इंट्रेंस के आधार पर प्रवेश लिया था, तो जिसके आधार पर सिलेबस को तैयार किया हुआ है। तो हम आप सभी लोगों के बीच उस सिलेबस ला रहे हैं। सिलेबस लोगों के इंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आप सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आते हैं, जो कि पिछले इंट्रेंस पेपर के आधार पर है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, जिसमें से मेंटल एबिलिटी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए थे, एग्रीकल्चर से लगभग 50 से 55 क्वेश्चन बने थे, तथा उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी थे, जिसमें से बायोलॉजी 10 से 15 क्वेश्चन तथा केमिस्ट्री भी 10 से 15 क्वेश्चन थे। चूंकि ये एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होना था, तो एग्रीकल्चर से मेजर क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से लगभग 50 से 55 या 60 क्वेश्चन तक एग्रीकल्चर सिलेबस से आते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको अलग अलग करके देखते हैं कि मेंटल एबिलिटी से कौन से क्वेश्चन आए थे, एग्रीकल्चर से कौन क्वेश्चन, तथा बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी हम देखेंगे। तो मेंटल एबिलिटी से मेजर क्वेश्चन बने थे कि एज, मतलब जो एज लिमिट होती है एज से क्वेश्चन बनते हैं, कैलेंडर से, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से, सीरीज से, कोडिंग एंड डीकोडिंग तथा टाइम से बने थे, तथा इसके बाद एग्रीकल्चर से था, एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस तथा एनिमल हस्बेंड्री, तथा कुछ इंस्टीट्यूट जैसे ICAR, ऐसे इंस्टीट्यूट जो फेमस हैं एग्रीकल्चर के या रिसर्च किए जाते हैं, उन इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और आइए हम इसके आगे देखते हैं एग्रोनॉमी से, एग्रोनॉमी से सीरियल्स क्रॉप, क्रॉप लेगुमिनस क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप, फॉरेज क्रॉप। सीरियल्स क्रॉप में जैसे कि अनाज वाली फसलें आती हैं, जैसे धान, गेहूं, चना, मटर, उर्द, लेगुमिनस क्रॉप, तथा ऑयल सीड क्रॉप जिसमें ऑयल प्राप्त किए जाते हैं, तथा फॉरेज क्रॉप, फॉरेज क्रॉप में चारा वाली फसलें आती है, तथा उसमें इम्पोर्टेंट है कि उसका बोटेनिकल नेम, क्रोमोजोम नंबर, फैमिली, डिजीज, तथा इसेंशियल न्यूट्रिएंट। फसल या क्रॉप की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तथा हॉर्टिकल्चर में मुख्य रूप से बोटेनिकल नेम पूछता है, फैमिली पूछता है, उसकी वैरायटी पूछती है, फ्रूट टाइप पूछता है, डिजीज पूछता है, तथा ओरिजिन प्लेस भी पूछता है, और उसका सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट और प्रोपगेशन मेथड, पिगमेंट भी पूछता है। चूंकि हॉर्टिकल्चर 2 ब्रांच में बांटा गया है, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर। पोमोलॉजी में मतलब फल वाली फसलें आती हैं, तथा फ्लोरिकल्चर में फूल वाली फसलें आती हैं। तो मुख्य रूप से आप इन 2 ब्रांचों को देख सकते हैं। तथा इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में अबाउट काउ, बफेलो, गोट, सीप, हेन के बारे में, तथा उनके डिफरेंट बीज, लैक्टेशन पीरियड, टेम्परेचर, मिल्क, मिल्क में फैट और प्रोटीन, और रिप्रोडक्टिव साइकिल, कॉमन डिजीज एंड डिजीज वेक्टर, ये एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन उठाया हुआ था। तथा लास्ट में सॉइल साइंस, सॉइल साइंस में टर्मिनोलॉजी, टाइप ऑफ सॉइल, पीएच, पीएफ, पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो सॉइल साइंस में टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है उसे आप लोगों को देख लेना है, तथा टाइप ऑफ सॉइल जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, उसका जो साइज होती है उसके बारे में, तथा सॉइल का पीएच, पीएफ, वाटर लॉगिंग जैसे होता है तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, तथा सॉइल के पेडोलॉजी तथा इडेफोलॉजी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चूंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनाया गया है, इस बार कोरोना पैंडेमिक के कारण विद्यापीठ प्रशासन ने क्वेश्चन को 50% मार्क्स के आधार पर कर दिया है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर में 50 से 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी से पूछा हुआ है 15 से 20, तो मतलब ये हो जाएगा 7 से 10 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा हुआ था, 5 से 7 हो जाएगा, तथा बायोलॉजी से भी 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास पूछा था पिछले साल, तो इसमें भी लगभग 5 से 7 या 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो यह रही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एग्रीकल्चर कैंपस की सिलेबस। चूंकि
आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सिलेबस क्या थे, तो सिलेबस बनाया हुआ है चूंकि भैया पिछले एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के आधार पर बनाया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।